तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच ही गए वसुधारा। यकीन मानिए ये खुशी मैं आपको बयान नहीं कर सकता, कितनी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँचा हूँ। ट्रैकिंग की आदत नहीं है ना। ये देखिए वसुधारा, ये है, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये वसुधारा है। यकीन मानिए बहुत खूबसूरत नजारा है। यहाँ इधर वसुधारा और इधर ग्लेशियर। वसुधारा जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, ट्रैकिंग जो कि हमारे लिए बहुत टफ था, ये वसुधारा है। बहुत ही विशालकाय, हमने इसी के लिए मेहनत किया था। जो भी आप देख रहे हैं ये वसुधारा है और ये आसपास का ये ग्लेशियर है। ऐसा लग रहा है ये जो वाटर है बर्फ बन के इस ग्लेशियर पे गिर रहा है जिसका नाम वसुधारा है। ये जो आप पानी की धार देख रहे हैं ये वसुधारा है। ये वसुधारा का जो ग्लेशियर देख रहे हो, मैं यहाँ जाना तो चाहता हूँ पर किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो है ग्लेशियर ये टूट के इसके ऊपर गिर रहे हैं। अगर पास में जाऊँ तो टूट के गिरने का खतरा है और मैं ऐसा कोई खतरा लेना नहीं चाहता। धूप ढल चुका है, छांव हो चुका है और अब हम वसुधारा से वापसी की ओर। और वापसी में हम ज़्यादा कोई लोग नहीं हैं, हम कुछ ही लोग हैं, सुधांशु भाई साहब और हमारे कुछ और साथी जो अब यहाँ से साथ में नीचे उतरेंगे और नीचे के लिए जाएंगे। हमें पता है नीचे जाते जाते अंधेरा हो चुका होगा और एक साथ रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो हम साथ में ही नीचे उतरेंगे। तो अब हम आपको नीचे चल के मिलते हैं और नीचे से ही आगे का वीडियो जारी करते हैं। तो अब चलते हैं वापसी की ओर। एक्सपीरियंस बहुत ही खास रहा और बहुत ही अच्छा रहा, यहाँ तक आना सफल रहा हमारा। और आप अगर इधर आए तो एक बार ज़रूर आइएगा, इधर का नज़ारा मतलब क्या बताऊँ आपको। ये देखिए अब टेम्परेचर जो है वो भी नीचे गिरता जा रहा है, माइनस हो जाएगा, आई थिंक माइनस हो भी रहा है 1% अब कुछ फोटो शूट करेंगे जिसके लिए यहाँ आए सब लोग ही और उसके बाद नीचे जाएंगे। हेलो फ्रेंड, हम लोग वासुकी धारा दर्शन करके अभी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। बाय बाय। नीचे उतरना उतना टफ नहीं है जितना हमारे लिए ऊपर चढ़ना था, क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए आप देख ही सकते हैं कैसी खड़ी चढ़ाई है। और नीचे की तरफ हम जा रहे हैं, नीचे चढ़ते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगा, आप बहुत ही जल्दी नीचे उतर जाएंगे जैसे कि मैं अभी जा रहा हूँ। भाई हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उतरते हुए मैं काफ़ी लेट हो चुका है, अगर मोबाइल का टॉर्च नहीं होता है तो हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप लोग अगर 2 बजे के बाद ट्रैकिंग कर रहे हो तो टॉर्च या ऐसा कुछ कैरी करें जिससे आपको उतरने में आसानी हो। पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है,
कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ मोबाइल के टॉर्च का सहारा है। और अगर ये टॉर्च ना होता तो आज परेशानी में पड़ जाते, क्योंकि ये रास्ता प्लेन नहीं है, रास्ते में बहुत पत्थर, मतलब पत्थरों से बना हुआ है ये, बिल्कुल ही पत्थरों से बना हुआ है ये। तो फिर भी बहुत अच्छा है जो अभी आप देख रहे हो, इसके अलावा कच्चा है, छोटे छोटे से पत्थर हैं, मतलब और पर रास्ता भी बहुत पतला है, पैदल चलने के लिए ही है बस। मैं आपको आसपास दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी तरीके से अंधेरा हो चुका है, घाटी में कहीं कोई रोशनी नहीं है, डरावना सा माहौल है बिल्कुल ही। वो जो आप आगे देख रहे हो टॉर्च, वो मेरे फ्रेंड लोग हैं जो आगे आगे चल रहे हैं। भाई आज अगर मोबाइल का टॉर्च नहीं होता तो बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते थे हम लोग।